हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने अपने लाइफटाइम के थंबनेल में केरी मिनाती का फोटो लगाया था और इसके वजह से काफी लोगों को ये लगा कि वो केरी मिनाती के साथ खेल रहे थे और उनके साथ इस लाइफटाइम में जो ताऊ नाम का बंदा खेल रहा था वो केरी मिनाती का मिमिक्री भी कर रहा था। तो उनका ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। आगे बेटी, आप सबका स्वागत है न्यू वाली लाइफ में। इस बार हम खेलने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के साथ, जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ताकि बेटी जल्दी से कर दूं, क्योंकि गेम पे मजे आने वाले हैं। और ये सब देख के कुछ लोगों को ये लगा कि सच में ज्ञान गेमिंग केरी मिनाती के साथ खेल रहे हैं और इसके वजह से काफी लोग टू बी गेमर के लाइफ में जाके लिख रहे थे कि ज्ञान गेमिंग प्लेइंग विद केरी मिनाती। तो इसके ऊपर टू बी गेमर का रिएक्शन क्या था उसका ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। ज्ञान भाई, केरी भाई एक साथ खेल रहे क्या? कुछ भी भाई, कुछ भी हट के यार, स्कैम कर रहे हैं। कुछ भी भाई, मतलब कुछ भी भाई, आप खुद ही सोचिए ना। अगर रियल कैरी मिनाटी आता तो मतलब भाई थोड़ी ना ऐसे मतलब नॉर्मली गेम खेलते, बोलते भाई कैरी आया है, कैरी प्लेइंग विद कैरी मिनाटी, ऐसा होता टाइटल। गाइस समझा करो ब्रो, समझा करो। और परसों को जब ज्ञान गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उनका लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रहा था और परसों को ही उनके सेकंड चैनल में एडसेंस का कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो इसके बारे में बात करते हुए ज्ञान गेमिंग ने क्या कहा उसके एक क्लिप आप लोग देख लीजिए। क्योंकि यार दूसरे ब्लॉग डाल रहा हूं, सेकंड चैनल थोड़ा सा लोचा है, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई एडसेंस के रिलेटेड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई सेकंड चैनल में। ओके, क्या दिक्कत आ गई और एडसेंस की? ये दिक्कत है सर जी, हम अभी तक मैंने एडसेंस बनाया नहीं। सबसे पहली बात समझो गाइस, उस चैनल के गाइस 1 मिलियन होने वाला है सेकंड चैनल का, मगर ज्ञान भाई अभी तक एडसेंस नहीं बनाया। जाकिर है, जितना पैसा है वो पैसा है, मगर अभी तक मैंने बनाया नहीं। चलो, उसके लिए गाइस क्या हुआ, पूरा मेरा पूरा जो मैंने हम लोग जो ऐड डालते थे वो ऐड ही पूरा डिसेबल हो गया। अब ऐड आएगा 2-3 दिन के अंदर, फिर गाइस सोच रहे थोड़ा। गाइस यार मुझे ना, गाइस मुझे खुशी आ रही है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है अंदर से। नेट की बर्बाद, एक नेट जा चुका है, लैग हो रही है, गेम लैग हो रही है, मेरा बीटी डाउन हो रही है भाई यार। क्या चले और क्या होना बाकी था भाई, और क्या होना बाकी था, भगवान प्लीज मुझे बोल दो। आईडी ब्लॉक कर दो भाई, मुझे आईडी भी ब्लॉक कर दो यार, प्लीज आज ही कर दो, आईडी ब्लॉक मार दो प्लीज, आईडी ब्लॉक कर दे गाइस, मुझे नहीं खेलना, मुझे आईडी से गाइस ब्लॉक मार दो, ब्लॉक यार। स्ट्रीम हैक कर लो, क्या बोलते हैं, YouTube चैनल हैक होने दो गाइस, सब कुछ आज होने दो भाई, सब कुछ आज हो जाओ भाई यार। हमारा अगला न्यूज है टोटल गेमिंग के बारे में। तो कुछ दिन पहले फ्री फायर इंडिया के इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था जिसमें टोटल गेमिंग के लोगों के साथ फौजी अजय खड़े थे जो टीजी माफिया से फ्री फायर स्पोर्ट खेलते हैं। पर काफी लोगों को ये लगा कि फौजी अजय ही टोटल गेमिंग है और इसके बारे में बोलते हुए काफी सारे लोग देसी गेमर के लाइफ में जाके स्पैम कर रहे थे। तो इसके ऊपर देसी गेमर्स ने क्या कहा उसका एक क्लिप आप लोग देख लीजिए। अजू भाई का फेस रिवील हो गया भाई, क्या स्पैम कर रहे भाई यार, ये मेंबर फौजी भाई की फोटो को कह रहे हैं। हाँ फौजी भाई वो यार, तो ये बंदा इतना स्पैम कर रहा है, मेरे को टाइम आउट देता है इतना भाई, इतना तू मेंबर्स होके इतना स्पैम करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे ये बोल, तू मेंबर्स होके इतना स्पैम करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे बोल, तू मेंबर्स होके। वो फौजी भाई है, अजू भाई का लोगो है चैनल का, पागल क्या यार तुम लोग भी, मतलब हद है भाई तुम लोग हद है। फौजी भाई को अजू भाई, कुछ दिन बाद रोमियो का फेस्टिवल होगा उसी को अजू भाई, वो भाषियों को भी अज्जू भाई बोला था पहले जब इंडोनेशिया गया था, उसके बाद वरुण को भी अज्जू भाई, उसके बाद स्ट्रॉम को भी अज्जू भाई, वो तो हाथ तो तब हुई आइकन पॉल को भी अज्जू भाई, हाथ तो तब हुई जब मेरा इंस्टाग्राम में वो क्या नाम है हिरोशिमा वाईटी के साथ मेरा फोटो खिंचाई, वो अज्जू भाई बोल के स्पैम कर रहे हैं। हद है भाई, जान पहचान है नहीं हर किसी को, अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई, क्या बोलूं मैं, अज्जू भाई खुद करेंगे ना, किसी दूसरे के हाथ थोड़े ना देखेंगे तुमको, वो बंदा को कुछ शौक होगा करेगा ना वो। और कल टोटल गेमिंग का आईफोन 11 प्रो मैक्स मोबाइल खराब हो गया था जिसमें वो फ्री फायर भी खेलते थे। तो इसके बारे में टोटल गेमिंग ने और क्या कहा उसका एक क्लिप आप लोग देख लीजिए। कौन से ले? अरे अमित भाई मेरा ना मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पता नहीं कल रात में सही चल रहा था, बेटा सुबह में जैसे ही मतलब मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन ही नहीं हो रहा है, ना उसके अंदर कुछ आ रहा है ना कुछ हो रहा है, लाइक लिटरली वो अपन वो आते हैं ना स्विच ऑफ करने के, उससे मैं दबा के बैठा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा सर जी यार। अरे हो जाएगा सर, एक बार फोन सर स्विच ऑफ करके ऑन करो ना 2-3 बार। अरे स्विच ऑफ, अरे सर जी ऑन होगा तो तुम स्विच ऑफ करोगे ना सर जी, पूरा बंद पड़ा है एकदम,
रमकड़ा हो चुका है, रमकड़ा सर जी, कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रेस करके बैठा हूँ, ना ऑन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ना कोई मतलब डिस्प्ले के ऊपर कुछ हुआ है। कल रात अरे उसके बाद वो फोन गलती क्या, और एक डेढ़ महीना चल बिगड़ना था ना, आईफोन 12 बाजू वाले लेते सीधा। हाँ वो भी है, बट मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कोई इश्यू होगा क्या मेरे अंदर इंटरनेट? सर आप वो करो ना कस्टमर केयर, अभी तो सब तो कोरोना से सब होगा। अरे इसका कस्टमर केयर का चाइना में जाओगा? अरे नहीं वो सर्विस सेंटर पागल। अगला न्यूज है सीआरएक्स रॉकी के बारे में। तो कल उन्होंने अपने स्ट्रीम पे बिना रुके हुए रेगुलर 10 मैच का कमेंट्री किया, तो ये उनके लिए एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 10 मैच तक रेगुलर कमेंट्री करना कोई आसान काम नहीं है, पर रॉकी भाई ने ये करके दिखाया। और कल उनके साथ जोंटी गेमिंग भी कमेंट्री कर रहे थे। बात करते हैं पहाड़ी गेमिंग और जोंटी गेमिंग के बारे में। तो आजकल पहाड़ी गेमिंग और जोंटी गेमिंग क्रिटिकल एक्स से फ्री फायर खेलते हैं। तो हाल ही में क्रिटिकल एक्स की तरफ से उनके पूरे स्क्वाड को आईफोन 11 प्रो मैक्स दिया गया, और पहाड़ी गेमिंग ने अपने ब्लॉग वीडियो में इसके बारे में बात करते हुए इसका अनबॉक्सिंग भी किया। तो उसका ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आईफोन प्रो 11 प्रो छोटा है, ये तो बराबर का है, और इसकी बैटरी भी अच्छी है। 11 प्रो मैक्स है ना? हाँ 4000 mAh। अगला न्यूज है ट्रिगर इंसान के बारे में। तो ट्रिगर इंसान ने कल अपने सेकंड चैनल लाइव इंसान में फ्री फायर गेम खेला, पर यह भी एक पेड प्रमोशन था जो कि हाल ही में टेक्नो गेमर्स और मिटपेट ने किया था। तो आजकल फ्री फायर यूट्यूबर के अलावा जो बड़े यूट्यूबर फ्री फायर गेम खेलते हैं वो ज्यादातर पेड प्रमोशन ही होता है। तो आजकल फ्री फायर अपने गेम को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा खर्च करने लगे है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो तमिल फायर ने कम्प्लीट कर लिया है 100 के सब्सक्राइबर, फ्री फायर राउडिश ने कम्प्लीट कर लिया है 200 के सब्सक्राइबर, राकेट 0007 ने कम्प्लीट कर लिया है 400 के सब्सक्राइबर, और बेस 99 को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।